नमस्कार, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 अगस्त, तो चलिए बिहार के 15 प्रमुख खबर के बारे में आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी ये कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,22,156 हो चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,247 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 601 पहुंच चुकी है। राज्य में अब तक 95,372 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3531 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। IMD पटना के मुताबिक 24 व 25 अगस्त को मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के बीच से गुजरेगी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल के खाड़ी में 22 अगस्त को एक चक्रवर्ती सिस्टम बन गया है। 23 अगस्त तक वह काफी सक्रिय भी हो चुका है। इससे न केवल 24 व 25 अगस्त बल्कि तकरीबन पूरे हफ्ते में अच्छी बारिश होने की आसारें बनेंगी। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने दफ्तर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में 3 और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान प्रॉपर्टी डीलर राजेश यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना बेवो थाना क्षेत्र की है। रविवार सुबह करीब 11:30 बजे 2 बाइक पर सवार 6 अपराधी बेउर मोड़ स्थित प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पहुंचे। दफ्तर के अंदर घुसते ही अपराधियों ने तबाहतोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा विश्व इस समय कोरोना से लड़ रहा है। इस युद्ध में स्वास्थ्य कर्मी सबसे बड़े योद्धा है, लेकिन इस कोरोना संकट के दौर में भागलपुर में स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मी ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। भागलपुर TPM कार्यालय के समक्ष आज अपनी 16 सूत्र मांगों को लेकर बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी धरना पर बैठ गए। इस दौरान संघ के अध्यक्ष विनय कुमार उपाध्याय ने कहा कि विगत माह 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी NMH संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने संघ के प्रतिनिधि मंडल से संघ के मांगों को सही ठहराते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार कर 1 माह के अंदर मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। कोरोना महामारी का असर हर पर्व पर होने लगा है। इस बार जमुई जिले में मोहर्रम पर्व को लॉकडाउन का पालन करते हुए शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर सदर थाना परिसर में टाउन थाना अध्यक्ष व CO की अध्यक्षता में शांति समिति का बैठक आयोजित की गई। हालांकि कोरोना को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। जारी गाइडलाइंस के अनुसार किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन करने का निर्देश नहीं दिया गया है। इस बाबत सदर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने कहा कि मुहर्रम के दौरान ताजिया सिपर अथवा अखाड़े का कोई जुलूस इत्यादि नहीं निकाला जाएगा। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गाय घाट पर एक व्यक्ति ने गंगा में मौत की छलांग लगा दी, जहां वो गंगा की तेज लहरों में बहने लगा। उससे भद्र घाट पर तैनात NDRF की टीम ने गंगा में डूबते व्यक्ति को देखकर आनन फानन में उसकी जान बचाकर बाहर निकाला और इसकी सूचना आलमगंज थाना की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ में जुटी, जहां उसने पूछताछ के दौरान बताया कि वो गार्ड का नौकरी करता था। लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद परिवार में हमेशा तनाव चलता था, जिससे मानसिक रूप से तनाव में आकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। कोरोना काल में लगातार स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विपक्ष ने भी सरकार के ऊपर कई बार हमला बोला है। स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़ा एक और मामला सामने आया है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने अवर सचिव के पद पर तैनात विवेकानंद ठाकुर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया है। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। कई लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि इन दिनों पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुछ कम नहीं हुई है, लेकिन कोरोना से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला पटना जिले का है, जहां कोरोना से एक महिला दारोगा की मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद महिला दारोगा को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मोतिहारी नगर थाना में पोस्टेड महिला दारोगा शारदा सिन्हा की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना महामारी के बीच बदलते हुए मौसम ने राजधानी में डेंगू संकट को बढ़ा दिया है। राजधानी के कई इलाकों में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। तेजी से डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच पीएमसीएच में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पटना में डेंगू के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए पीएमसीएच में अगले हफ्ते से डेंगू की जांच और इसके लिए स्पेशल वार्ड की शुरुआत कर दी जाएगी। हालांकि अब तक सरकार और स्वास्थ्य विभाग का पूरा फोकस कोरोना पर है। भारत व नेपाल के बीच इन दिनों संबंध तनावपूर्ण हो गया है। इसका लाभ भारत विरोधी तत्व उठाना चाहते हैं। ऐसा ही एक आशंका को लेकर बिहार में नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली को दहलाने की नाकाम साजिश में आईडी के साथ एक आतंकी की गिरफ्तार और तीन पाक आतंकियों के नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की सूचना के बाद भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल तथा सीतामढ़ी के बैरागनिया के पास सीमा पर चौकसी विशेष तौर पर बढ़ा दी गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि की गति बढ़ाने को लेकर डीएम चंद्रशेखर सिंह ने निर्देश दिए हैं। कहा कि बाढ़ की स्थिति अब सामान्य हो गई है। सिर्फ सकरा प्रखंड के कुछ इलाकों में सामुदायिक किचन का संचालन हो रहा है। अन्य जगहों पर स्थिति में काफी सुधार हुआ है। करीब 3 लाख प्रभावित परिवारों के बैंक में बाढ़ सहायता राशि भेज दी गई है। शेष करीब 1.25 लाख लोगों के खाते में 1 सप्ताह के अंदर राशि भेज दी जाएगी। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय ऑनलाइन बैठक के दूसरे दिन रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। इसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के समक्ष अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए अपनी रणनीति को सबके समक्ष रखा। वहीं इस दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर भी अपनी बात कही और स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव में भाजदाई और लोजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। राज्य में आईटीआई की परीक्षा में कदाचार रोकने में विफल अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर श्रम संसाधन विभाग ने कार्रवाई करते हुए लगभग 3 दर्जन अधिकारियों में से कुछ को चेतावनी दी गई है या उनकी वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। वहीं कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके प्रमोशन पर रोक के साथ कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन में कटौती की गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जुलाई अगस्त में हुई परीक्षा के दौरान विभाग ने अधिकारियों को कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित कराने का सख्त निर्देश दिया था, लेकिन कई केंद्र पर काफी धांधली हुई जिनमें अधिकारियों की लापरवाही ही सबसे बड़े कारण बनी थी। बिहार में नौकरी खोज रहे लोगों के लिए नीतीश सरकार सभी अंचलों में बंपर बहाली करने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के सभी अंचलों में कंप्यूटर ऑपरेटर के 2136 पद खाली है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। खबर के अनुसार कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण कंप्यूटर ऑपरेटरों के पदों पर बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन अब ऑपरेटरों की बहाली का काम कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शुरू कर दिया गया है। अंत में हम सबसे बड़ी खबर बात करेंगे पूरे देश में कोरोना को लेकर। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30 लाख के पार हो गई है। भारत में अब कुल 30,44,940 कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 22,80,566 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं 56,706 मरीजों ने संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं भारत में अब सिर्फ 7,07,668 एक्टिव केस है, यानी जिनका इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 69,239 नए मामले सामने आए हैं। 912 मरीजों की मौत हुई और 57,979 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की न्यूज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब